हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ द क्रिएटिव कलाकार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेड वर्सेस क्रैक सॉफ्टवेयर के ऊपर एंड आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए। सो आई मेड अ वीडियो लास्ट ईयर जिसमें मैंने बताया था कि ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं एंड उसके नीचे मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए कि मैं बकवास कर रहा हूँ। जो भी सॉफ्टवेयर्स मैंने बताए हैं वो सबके पायरेटेड वर्जन्स अवेलेबल हैं, जो कि मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, बट क्या वो यूज़ करना सही है या नहीं वो टोटली डिपेंड करता है। कुछ लोग इसके फेवर में हैं एंड कुछ नहीं, एंड इट्स टोटली योर पर्सनल चॉइस, बट एज अ क्रिएटर इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू द राइट थिंग ऑन दिस चैनल। अगर आप एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर हो और अडोबी सूट यूज़ करते हो तो आई डोंट थिंक आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए उनके प्रोडक्ट परचेज करने में, बिकॉज यू आर अर्निंग फ्रॉम दो सॉफ्टवेयर्स। एंड उसके एडवांटेजेस भी हैं कि आपको पर्सनल सपोर्ट एंड क्विक अपडेट्स भी मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम, प्लस क्लाउड स्टोरेज एंड फ्री एसेट्स भी हैं उसके साथ साथ। और अगर आप एक स्टूडेंट या टीचर हो तो ये सब आपको सिर्फ 1500 पर मंथ में मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छी डील है। अगर फिर भी आप इसे अफोर्ड नहीं कर पाते हो तो भी मार्केट में बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि गिम्प, इन्फिनिटी फोटो एंड फोटोपिया जैसे। तो अगर आपको डिज़ाइनिंग के लिए फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ ही करना है तो ऐसे अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हो, और बाद में जब आपकी थोड़ी स्टेबल इनकम हो जाए तो आप अपग्रेड कर सकते हो। अब बात करते हैं आपको क्रैक और पायरेटेड सॉफ्टवेयर क्यों यूज़ नहीं करने चाहिए। तो पहला रीज़न है कि आपको क्रैक सॉफ्टवेयर में कभी अपडेट्स नहीं मिलते, आपको हमेशा हर अपडेट के लिए दोबारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा हैक्टिक है। दूसरा, पायरेटेड सॉफ्टवेयर आप हमेशा थर्ड पार्टी वेबसाइट से ही डाउनलोड करते हो, एंड ऐसे वेबसाइट में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है आपके सिस्टम को ट्रोजन हॉर्स मालवेयर स्पाईवेयर एंड अदर टाइप के वायरसेस से इन्फेक्ट करने का, और आप नहीं चाहोगे कि आपको सॉफ्टवेयर से ज़्यादा पैसे अपने सिस्टम को रिकवर करने में लगाने पड़े। थर्ड, आप लोगों को पायरेटेड सॉफ्टवेयर में कोई कस्टमर सपोर्ट नहीं मिलता है। इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो आपको उससे खुद ही डील करना पड़ेगा। फोर्थ, पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स आर इलीगल इन इंडिया अंडर द इंडियन कॉपीराइट एक्ट। आपको 3 साल की जेल या फिर 2 लाख तक का फाइन देना पड़ सकता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि कुछ नहीं होता, बकवास है, तो आप खुद गूगल पर जाकर चेक कर सकते हो। मे बी अभी आपके साथ नहीं हुआ, बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एक्सपेंड कर रही है वैसे वैसे साइबर सिक्योरिटी एंड रूल्स भी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, सो यू नेवर नो वट विल हैपन इन द फ्यूचर। फिफ्थ, पायरेटेड सॉफ्टवेयर एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। आप बहुत ज़्यादा टाइम एंड एनर्जी वेस्ट करोगे उसे डाउनलोड करने में, इंस्टॉल करने में, बट ये बहुत ऑफ्टनली क्रैश हो जाता है। इमेजिन यू आर वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट एंड आपने उसमें अपना काफ़ी टाइम लगाया एंड सारा काम डिलीट हो गया। ऊपर से ऐसे सॉफ्टवेयर के अंदर हैक होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा और कोई आपका वेबकैम यूज़ कर रहा होगा, आपके पासवर्ड की डिटेल्स उसके पास होगी, आप किस टाइम कौन सी वेबसाइट यूज़ कर रहे हो, दे विल मोनिटर एवरीथिंग। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप खुद इमेजिन करो, आपने बड़ी मेहनत से एक प्रोडक्ट बनाया एंड किसी और ने आपका सेम प्रोडक्ट लेके मार्केट में लॉन्च कर दिया एंड सारे लोग वही चीप वर्जन यूज़ कर रहे हैं एक्सेप्ट यूअर्स, तो आपको कैसा फील होगा? ये बहुत ज़्यादा अनफेयर नहीं है? अपने कंप्यूटर मॉनिटर स्पीकर फ़ोन सबके लिए पे करते हो, तो वाई नॉट फॉर द सॉफ्टवेयर्स? अ प्रोफेशनल ऑलवेज पेज इज देयर, बट एट द एंड ये आप पर और आपकी चॉइसेस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या यूज़ करना है। मेरा काम था आपको सारे इन्फॉर्मेशन देना बिना किसी फिल्टर के। अब आपकी बारी है, नीचे कमेंट करके बताएं कि किस साइड हो, ओरिजिनल या पायरेटेड। अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेश्चन या डाउट है तो उसे नीचे कमेंट करें, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और उनके रिप्लाई करता हूँ। ऑल्सो यू कैन सजेस्ट अ टॉपिक फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको इस चैनल पर हेल्प मिलती है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी दबाएं। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।